25,000 यात्री अगर आते हैं तो उनका सामान रखने के लिए लॉकर, यहीं पर एक छोटा सा चिकित्सालय बनाएंगे, वर्षा का जल उसको नगर निगम की नालियों में ड्रेन आउट नहीं करेंगे। पहली बात, 25,000 यात्री अगर आते हैं तो उनका सामान रखने के लिए लॉकर, जूता चप्पल मोबाइल पर्स छोटे छोटे बैग, इसकी व्यवस्था देखिए यहां पर है। इसका नाम है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर। यहीं पर एक छोटा सा चिकित्सालय बनाएंगे, यात्री आया दर्शन करने के लिए उसे कुछ कठिनाई खड़ी हो गई तो यहां एक हॉस्पिटल रहेगा, थक गया आराम कर सकेगा। पंखे, पानी, चिकित्सालय, लॉकर, जूता यही जमा करेगा तब अंदर प्रवेश करेगा। यहां से निकलने के बाद जूते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नंगे पैर ही चलना होगा, गर्मियों में पैर नहीं जले इसका प्रोविजन करेंगे। अब 25,000 यात्रियों में से अगर 500 लोगों को इच्छा हुई वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। ये है, ये 12। हाँ, 50-100 शौचालय, स्नान गृह, यूरिनेशन, यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, केवल तीर्थ यात्रियों के लिए है। ये सौरभ शौचालय का नहीं है, ट्रस्ट का है। इसका वेस्टेज कहां जाएगा? तो इसका वेस्टेज नगर निगम के सीवर में नहीं जाएगा, 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहीं पर बनाए जा रहे हैं, डिपोजिट के नीचे। हाँ, टॉयलेट के नीचे छोटा सा दिख रहा है, एक यहीं पर है नीचे और एक यहां है, 12B STP2 12E, तीन नंबर। ये 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कुछ होगा यहीं पर होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा का जल उसको नगर निगम की नालियों में ड्रेन आउट नहीं करेंगे, इसलिए एक पॉलिसी तैयार हुई, जीरो डिस्चार्ज। तो जब जीरो डिस्चार्ज पर होमवर्क करेंगे तब 2-4% होगा,